हेलो एवरीवन, दिस इज अशोका एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कॉल फोटो फैक्ट्री। दोस्तों मैं इंदौर के लिए रवाना हो गया हूँ, अभी रांची रोड में हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा रांची स्टेशन है, रांची रोड स्टेशन है। तो ये हमारा रांची रोड स्टेशन है, यहाँ पर मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी पूरा चारों तरफ सुनसान है, आपको दिखाता हूँ जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के होते हुए हमें रांची रोड स्टेशन है, ये मुझे ज्ञान नहीं था, हमको इस ट्रिप में ज्ञान हुआ और अभी हम हैं रांची रोड स्टेशन में। तो चलिए आगे हम अपना जर्नी बढ़ाते हैं। अभी रात के 9 बजे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इंदौर के लिए जा रहा हूँ। तो अभी इंदौर मतलब रांची से मैं अभी रांची रोड आया हूँ। ये देखिए रांची रोड स्टेशन, रांची रोड स्टेशन इस तरीके से दिखता है। और अभी रात का समय है, ट्रेन अभी एक स्टेशन पीछे है। सो मैं आपको थोड़ा रांची स्टेशन का, रांची रोड स्टेशन का एक नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। ये है रांची रोड स्टेशन। तो दोस्तों इस तरीके से हम कटनी पहुंच चुके हैं, अभी कटनी साउथ जंक्शन। आप देख सकते हैं ये हमारा कटनी साउथ जंक्शन का स्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हम कटनी के बस स्टैंड में पहुंच गए हैं, भोजन कर लिए यहाँ पर। अभी कटनी साउथ जंक्शन से निकल करके हमें जो है ऑटो मिली, 20 रुपीज़ पर हेड का चार्जेस था। अभी हम बस स्टैंड में आपको दिखाते हैं। ये जो है कटनी का बस स्टैंड है, अभी हम इंदौर की ओर निकलेंगे। बाय बाय हम दोस्तों, अभी कटनी में ये बस पकड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बस में जो है स्लीपर सीट लिए हुए हैं। हम एक्चुअली जो है ट्रेन लिए हुए थे, बट ट्रेन जो है लेट पहुँचाएगी इसलिए हमारा वो टिकट कैंसिल कर दिए हैं और दोबारा से हम ऑनलाइन बस का टिकट लिए और ये बस में अभी हम हैं। और अभी तक मैंने एक बात आपको नहीं बताया हूँ कि मेरे साथ इस जर्नी में एक और महारथी हैं जिनका नाम है प्रदीप विश्वकर्मा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ, हाँ अच्छी तरीके से देखिए, हमको लगता है अंधेरा दिख रहा है। नहीं सही। तो यहाँ पर प्रदीप विश्वकर्मा है। एक्चुअली क्या था ना कि हम लोग रात में 9:30 बजे चढ़े तो आपको, और हम सो गए ट्रेन में, तो आपको जर्नी के दरमियान जो सीन सीनरी दिखाने का था वो हम आपको नहीं दिखा पाए। तो अभी ट्राई करते हैं, जैसे अभी बस से चलेंगे तो बस से बाहर झांकेंगे तो जो भी दिखेगा वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम अभी पहुंच गए हैं इंदौर जंक्शन। हम आए हैं बस से मगर आपको दिखा रहे रेलवे जंक्शन। दोस्तों आपको बताना, मैं आपको बताता हूं कि हमें आना था इंदौर जंक्शन, यानी इंदौर आना था, पर हम जो है रांची से डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी इसलिए हम आए कटनी साउथ रेलवे जंक्शन और कटनी से हम पकड़े बस। और अभी सुबह सुबह हमें कटनी से बहुत ही हेक्टिक जर्नी से हमें पहुँचा दिया रेलवे जंक्शन इंदौर के। अभी यहाँ से चलते हैं घर की ओर। बाय बाय। अभी आप देख सकते हैं मैं अपनी टीम के साथ एक्सप्रेस में हूँ। यहाँ पर जो है इंदौर से निकल रही है ये रोड सुजालपुर के लिए। तो अभी हम जो है शूट के लिए, वेडिंग के लिए जा रहे हैं सुजालपुर। यहाँ पर मेरी पूरी टीम पीछे है। और यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि ये हमारा जो टवेरा है ये हो गया पंक्चर, इस वजह से आपको थोड़ा सा ये जो नज़ारा है पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ पर्वत, और इधर मेरे पीछे में जो पहाड़ है वहाँ पर बहुत सारा विंड मिल लगा हुआ था। तो विंड मिल मतलब आपको बाद में बताएंगे, अभी तो हाल फिलहाल इतने से समझ लो कि यहाँ पर पूरा टीम है, टायर चेंज हो रहा है, तब तक के लिए हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। भूख लगी है तो यहाँ दिख नहीं रहा। तो हमारे साथ एक अंकल जी भी हैं ये जो बारात जा रहे हैं। तो अंकल जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? बारात में इंजॉय करेंगे बस। तो सही है, ये रोड जो है आगरा जाएगी सीधे और आगरा से दिल्ली। और ये दोस्तों सुप्रभात, चेहरे पे ना जाइए क्योंकि ये जो चेहरा है ये चेहरा देख के आपको लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत का नतीजा है कि हम आज सुजालपुर में हैं। सुजालपुर एक बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा शहर है मध्य प्रदेश का। देखिए आपको वो येलो और ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा, वेलकम टू सुजालपुर।
तो आपको दिखाते हैं सुजालपुर का ये नज़ारा, मतलब रेलवे ट्रेन स्टेशन का नज़ारा आप इधर देख सकते हैं। काफ़ी मात्रा में यात्रीगण पहुंचे हुए हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि मैं सुजालपुर में आकर के ब्लॉग बना रहा हूं और आपको इस सुजालपुर का नज़ारा दिखा रहा हूं। यहां पर मेरे साथ हैं प्रदीप फल्ला नहीं, वाकई में मैं कह रहा हूं कि सुजालपुर वाली जो ट्रिप है मैं वाकई में बहुत इन्जॉय कर रहा हूं। ये मस्त मौला सफ़र रहा, सुबह शाम जो हम और प्रदीप विश्वकर्मा जो है सफ़र में निकल पड़े हैं, हमारी मंजिल का कोई अता पता ही नहीं है और हम बस निकल चले हैं रास्ते में। हमारा पथ जो है ऑन द स्पॉट डिसाइड होता है कि हम किस पथ पे चलेंगे। दोस्तों ये देवास सिटी है और आप जो देख रहे हैं अभी देवास शहर है। यहाँ पर ये पहाड़ के ऊपर में जय माता दी का मंदिर है, वो मंदिर बहुत ही फेमस है यहाँ पर और मोटा मोटी क्लीन है। और क्या बता आपको, चारों तरफ दिखा रहे हैं अभी हम, काफ़ी दूर दूर से लोग भी आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर वो रोप वे है, मतलब आप रस्सी के सहारे, केबिन के सहारे आप जो है मंदिर के ऊपर जा सकते हैं। और इस तरीके से ये चौराहा है, यहाँ से चारों तरफ के लिए बस मिलती है आपको। और अभी हम देवास में हैं मगर इंदौर की ओर जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वी आर हेयर एट इंदौर एयरपोर्ट। फ्रॉम इंदौर वी आर गोइंग टू रांची झारखंड। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव ए लुक ऑफ इंदौर एयरपोर्ट। बहुत जल्द मिलते हैं आपको रांची में। बाय बाय। Hello everyone, so this is how we reached to Ranchi airport and now we are waiting for our luggage. So here is this guy, TikTok boy. We landed safely in Ranchi airport. Now we will be going to Hino. Bye bye. If you like this video, please like, write a comment, share and do not forget to subscribe. Subscribe now.